देखो, कब्जा शब्द बहुत गलत है। हम मंदिर में अपना आधिपत्य स्थापित करने गए थे, जो कि योगी जी माननीय मुख्यमंत्री, वो तपस्वी है, ज्ञानी है, योगी है, सन्यासी हैं और मठाधीश हैं, पढ़े लिखे विद्वान हैं, ज्ञानी ज्ञानी हैं। उन्होंने कहा था राजस्थान में कि हनुमान जी एक वंचित हैं, वो दलित वर्ग से हैं, वो दलित हम भी हैं, वाल्मीकि समाज दलित है, और हम अपने दलित हनुमान जी का मंदिर में अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए आए थे, और हमने किया और करेंगे। पुलिस ने आपको जबरदस्ती? हाँ, ये तो पुलिस प्रशासन की मंशा है, और सरकार चाहती है कि दलित समाज को उत्पीड़न हो, हमें हमारे अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। ये सरकार की कथनी और करनी बड़ा अंतर है। जैसे मंदिर में पुजारी को उठा के आपने अपना पुजारी जी जी कर दिया, क्या क्या किया आपने मंदिर में? पूजा तो हमने पूजा अर्चना करी, तिलक लगाया, प्रसाद वितरण करा, और शाम के टाइम हमारा आरती का प्रोग्राम था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने दबंगता दिखाते हुए हमें वहाँ से खदेड़ दिया। आगे की रणनीति हमारी बालाजी धाम मुजफ्फरनगर नई मंडी है, उसका आधिपत्य स्थापित करेंगे उसमें हम अपना। और यूपी में जितनी भी हनुमान दलित मंदिर है, उन पर सब पे दलित हनुमान मंदिर लिखा जाएगा, और उस पर वाल्मीकि समाज और अति दलित समाज अपना आधिपत्य स्थापित करेंगे। ये लोग आए हैं, ये लोग ये कहते हैं कि मंदिर हमारा है और हनुमान जी हमारे हैं, उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया था और कहा कि आज के बाद हम ये पूजा करेंगे। तो कितनी देर तक मंदिर में रहे, फिर क्या हुआ? कम से कम 20-25 मिनट रही। पुलिस आई थी, पुलिस ने क्या किया? बस पुलिस भी खड़ी थी, उन लोगों ने काफ़ी वो सहयोग करा मेरा, खड़े रहे। किस तरह की बदतमीजी कोई? बस उन्होंने कहा कि आज के बाद आप चले जाओ, हमारा जो दलित समाज के लोग हैं वही पूजा अर्चना करेंगे। अब क्या इरादा है आपका आगे की रणनीति बताओ? 18 साल तो मुझे हो चुके हैं यहाँ पे, मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं बताओ मैं कहाँ जाऊँगा? पंडित जी पूजा करें, मैं ही पूजा करूँगा, जब मैं 18 सालों से यहाँ पे हूँ तो मैं ही पूजा करूँगा। ठीक।